यदि हम लोग का 47 माह का जो बकाया मानदेय है यदि हम लोग को मिला होता तो आज ये जो हम लोग ठंड में जो है बच्चा को लेके जो आज हम लोग धरना स्थल में बैठे हैं, रोड में बैठे हुए हैं, आज हम लोग बच्चा को लेके अपना घर में रहते। नमस्कार, आप देख रहे हैं हैशटैग भारत न्यूज। मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह और आज आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे यहां पर सभी जल सहिया संघ की दीदी लोग बैठी हुई है धरना पर। इनकी कई सारी मांग है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से इनकी मांग है कई सारी और वेतन मान को लेकर के है। इनसे ही जानते हैं कब से ये सभी धरना पर बैठी है और क्या कुछ मांगे। अभी जो घटना हुई क्या कुछ लगता है आपको कि किसकी जिम्मेदारी होगी इसमें? इसमें तो दोनों का जिम्मेवारी होगा। हमारे मुख्यमंत्री जी जो हैं हेमंत सोरेन जी और माननीय मिथिलेश ठाकुर जी पेयजल मंत्री, ये दोनों का जिम्मेवारी है। आज यदि हम लोग का 47 माह का जो बकाया मानदेय है यदि हम लोग को मिला होता तो आज ये जो हम लोग ठंड में जो है बच्चा को लेके जो आज हम लोग धरना स्थल में बैठे हैं, रोड में बैठे हुए हैं, आज हम लोग बच्चा को लेके अपना घर में रहते। यदि बच्चा को कुछ होता है तो ये जिम्मेवार सरकार है और जो है यदि बच्चा को कुछ हुआ तो मंत्री को और हेमंत जी को रोड में घिसिया को इसी तरह से ये किया जाएगा। यदि बच्चा को कुछ हुआ है तो आज यदि हम लोग का मांग पूरी हो जाती तो ठंड में हम लोग यहाँ नहीं बैठते जो आज हम लोग बैठे हैं। सुबह से बच्चा हमारा ठीक है और उस समय से यहाँ देख रहे हैं कि सबके साथ में वो खेल रहा है, बैठ रहा है, कुछ क्यों मैंने की खा पी रहा है। अचानक जो है इस तरह से बच्चा के साथ में हुआ तो क्यों साल का बच्चा? जी आप देखिए कि बच्चा को लेके जो है रोड पे बैठी हुई है, जो आप बोलते हैं कि हम भारत का बेटा है, झारखंड का बेटा है, झारखंड को उत्थान करेंगे, क्या आप झारखंड को उत्थान कर रहे हैं? आप महिला जो बैठी हुई है उसके साथ में बच्चा भी बैठा हुआ है, बच्चा को दुख दर्द सहना पड़ रहा है, यही बच्चा के लिए आज हम महिला जो है दर दर की ठोकरे खा रही है। कितने साल का बच्चा था? दो साल का है। क्या हुआ था आपने सामने से देखा, क्या कुछ हुआ उसको? अभी तो हम लोग देखे कि वो ठीक ठाक था और अचानक से जो उसका पैर हाँ जो है पूरा मने की खींचने लगा और मने की अपना मुंह जो है उसका दूसरे जैसा मने की एकदम बनने लगा है। अभी वो उसको हॉस्पिटल लेके गया है सब। तो इतना छोटा बच्चा था, अगर कुछ होता है आपने कहा सरकार जिम्मेदारी होगी, क्या क्या आपको यहाँ पर सुविधाएं दी है? आप 7 तारीख से बैठे हुए हैं, कुछ दिनों में 1 महीना हो जाएगा, सरकार द्वारा क्या सुविधा मिली है? शौचालय है, स्वास्थ्य व्यवस्था है, क्या व्यवस्था मिला है? 15 बार विभाग को फोन किए थे, एगो साला शौचालय भेजा है कमी ना। वो जानना चाहिए कि महिला रोड पे बैठी हुई है कम से कम उन लोग का व्यवस्था हम दे, लेकिन वो भी शर्म नाम का चीज नहीं है। ना पानी का सुविधा दे रहा है, ना शौचालय का सुविधा दे रहा है, ना और कोची का सुविधा दे रहा है। क्या सुविधा वो दे रहा है महिला को? सिर्फ वो सुविधा दे रहा है तो अपना बीबी को, अपना बच्चा को, अपना घर का फैमिली को। हम लोग को क्या सुविधा वो दे रही है? हम लोग को कुछ सुविधा नहीं दे रही है। 15 बार फोन किए थे, शौचालय ला के खड़ा कर दिया, वो भी पूरा गंदगी से फैला हुआ है, देख सकते हैं जाके पानी जो हुआ, कहाँ से पानी उठा के लेके आया पता नहीं, फिल्टर पानी है ये, कौन ना कौन पानी ला के खड़ा कर दिया है कि हाँ पानी पियो और मरो सब लोग। कितनी महिलाएं होंगी यहाँ आपके साथ लगभग? अभी तो यहाँ हम लोग 1500 की संख्या में बैठे हैं, 2 जिला की जलसहिया है, 3 जिला की। देखिए 1500 की संख्या में यहाँ पर महिलाएं आपको दिख रही है अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ और इनका आक्रोश जो है वो लाजमी है क्योंकि बच्चों के साथ महिलाएं आई है। शौचालय के नाम पर यहाँ पर एक शौचालय दिया गया है जो भी ठीक से इस्तेमाल करने लायक नहीं है और इसके साथ पानी भी आप देख सकते हैं कि नगर निगम द्वारा जो दिया जाता है वही है। स्वास्थ्य के नाम पर कोई व्यवस्था नहीं है क्योंकि आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि रिक्शे पर बैठा कर बच्चे को अस्पताल ले जाया गया है, यहीं के लोग ले जा रहे हैं। तो क्या लगता है आपको जो इस तरीके की घटना हो रही है, एक तो आपकी मांग पूरी नहीं हो रही है, उसके बाद नई परेशानी आ रही है, क्या उम्मीद कर रही है सरकार से? अभी जब अचानक बच्चे का तबीयत खराब हुआ तो हमें रिक्शा से ले जाना पड़ा, वो जान रहे कि आज हम लोग का 14 दिन यहाँ पे धरना हो रहा है और यहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं, तो क्या है कि मेडिकल का भी यही नहीं व्यवस्था, एम्बुलेंस नहीं रख सकते हैं? पता नहीं कब कौन महिला चकरा के गिर जाए भूखे प्यासे, पता नहीं कोई कभी डिलीवरी महिला का यहीं पर डिलीवरी हो जाए, पता नहीं कि यहाँ पे कोई मर जाएगी, कुछ हो जाएगा, लेकिन सरकार को क्या पड़ा हुआ है? वो तो यही सोचेंगे ना, अच्छा होगा चलो आज एक मरेगी, परसों एक मरेगी, नर्सों एक मरेगी, वो तो यही चाह रहे हैं। तब ना जो 1000 हम लोग को मिलता था वो भी हम लोग का बंद हो गया है, वो भी नहीं, ये सरकार से हजम नहीं हो रही है, वो भी हम लोग को जो छीन लिया गया,
और अभी हम लोग रोड पे बैठे हुए हैं, क्या उम्मीद रखते हैं ये सरकार से? हम लोग को ये सरकार से कुछ उम्मीद नहीं है। अब यही देखते हैं आप क्या करते हैं। कहाँ से आए हैं आप? लोहरदगा जिला से आए हुए हैं हम लोग। लोहरदगा से अपने बच्चों को लेकर आए? हाँ, अपने बच्चे के साथ में आए हैं। मेरी दीदी लोग और भी आए हुए हैं बच्चा ले लेकर के। अभी एक दीदी का बच्चा का तबीयत खराब हो गया, उसको अभी हॉस्पिटल ऑटो रिक्शा में लेके गए हैं। अगर उसके साथ में रास्ता में कुछ हो जाता है या कुछ हो जाएगा तो हम लोग मंत्री जी को नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं छोड़ेंगे। उनका आवास में जाके हम लोग सभी एकदम ईंट पत्थर से वार करेंगे। जान है ना, अगर कुछ हो गया ना बच्चा को तो हम लोग कोई दीदी नहीं छोड़ेंगे। आज घर नहीं जाएंगे और हम लोग उनका घर में जाएंगे, उनका आवास में जाएंगे और आज ही हम लोग वहाँ पे पथराव करेंगे। अगर बच्चा को कुछ हो गया तो बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। बच्चा को कुछ हो गया तो क्या समझ लिए, तमाशा बना लिए हैं? क्या हम लोग भीख मांगने आए हैं यहाँ पे? काम करते उसके बदले में ना दाम मांगने आए हैं? क्या हम लोग कटोरी लेके भीख तो नहीं मांग रहे हैं कि दे दो भाई 5 रुपए 10 रुपए दे दो? जो हम लोग काम कर रहे हैं उसके बदले ना दाम मांग रहे हैं? और जब दाम नहीं देना था तो क्यों फिर जलसैया का बहाल किया गया? हटा देते ना। 11 से हम लोग का चुनाव 2011 में हुआ है, तब से हम लोग कार्यरत है और अपने कार्य को सही रूप से कर रहे हैं। जो भी काम मिल रहा है वो काम को हम लोग एकदम सही ढंग से हम लोग कर रहे हैं, फिर भी हम लोग को कुछ नहीं मिलता है तो फ्री में कौन करेगा बताइए? तो कोई नहीं करेगा। जितना जलसैया फ्री में की है ना, हमको नहीं लगता है कि इतना दिन कोई समाज सेवा फ्री में करेगा। अभी का दौर में तो अगर हम लोग रेजा कुली भी करते ना, रेजा भी करते तो हम लोग पर 150 रुपये लेके घर घुसते। लेकिन अभी हम लोग का स्थिति इतना खराब है, इतना खराब है कि हम लोग महीना में भी 250 रुपये लेके नहीं घूमते हैं, घर में नहीं घुसते हैं। आज रांची आए हैं ना, आज बच्चा लोग सोचेंगे मम्मी लोग रांची गई है, राजधानी गई है घूमने रांची। बच्चा लोग को तो पता नहीं ना कि मेरी मम्मी कहाँ गई है। वो लोग तो यही लगेगा कि मम्मी क्या लाई हो हम लोग को दो रांची से। रांची का मतलब तो बच्चा लोग सोचते हैं ना कि बहुत बड़ा शहर गई है मेरी मम्मी। लेकिन हम लोग अपना बच्चा के लिए 5 रुपए का कुछ नहीं लेके जाएंगे। क्या लेके जाएंगे? जो भी आए हम लोग मुर्गी बेच के आए, यहीं पे लगा दे रहे हैं। अभी फिर जाएंगे रास्ते में लग जाएगा खर्चा। हम लोग क्या अपना बच्चा को देंगे खाने पीने के लिए? देख सकते हैं महिलाओं का आक्रोश आपको साफ दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि एक जो सहिया दीदी थी उनका बच्चा बीमार हो गया। ये सभी जल सहियाएं यहाँ पर आई थी अपनी मांगों को लेकर। 5 सूत्री मांग है, लेकिन लगातार इन्हें हर दिन नई नई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और एक बच्चा भी अस्पताल में भर्ती है। और ऐसे में इनका सवाल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर है और मंत्री मिथिलेश ठाकुर को इन्होंने कहा है साफ तौर पर कि अगर बच्चे के साथ कुछ होता है तो फिर ये उनसे सवाल और उनसे फिर पूछा जाएगा कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन है।